हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका होस्ट ओम प्रकाश। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी चर्चा हो जाए जो आपको पसंद आए। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए मेहमान हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा वीडियो आप सबको पहुँच सके और नई नई जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सके। और मेरी बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई नया और अच्छा वीडियो आपको डालूं जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बढ़िया टिप्स देने वाला हूं जो आपको बहुत पसंद आएगी। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको जरूर बता दूँ, वो परेशानी को हल करने के लिए मैंने ये वीडियो लाया हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे कि अपन बैंक में जाते हैं, बैंक में जाने के बाद भीड़ दिखती है, भीड़ तो जैसे तैसे हल हो जाती है, मगर भीड़ जैसे लाइन में पहुंचते हैं तो पता चलता है कभी प्रिंटर ख़राब हो जाता है, कभी सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है। उसकी समस्या का हल करने के लिए मैं आपको बढ़िया ऐप्स लाया हूं जो आपको बहुत पसंद आएगा। अपनी अपनी बैंक के अलग अलग फीचर जो लॉन्च हुए हैं जो प्ले स्टोर में उपलब्ध होते हैं। चलो दोस्तों, बात करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको उसके फीचरों के बारे में सिखाऊंगा। चलो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो देखते हैं और एंजॉय करते हैं और मज़े लेते हैं और सब जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपन घर बैठे ही उस पासपोर्ट की पूरी एंट्री घर बैठे ही पता कर लेंगे, बैंक में जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलो दोस्तों, देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको स्टेप स्टेप बाय सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। तो ये आइकन आपको ऊपर दिख रहा होगा, उसमें प्ले स्टोर में जाएंगे। जैसे कि हमें PNB के बारे में, जैसे मान लो अपने पास PNB की पासबुक है, तो उसके जानने के लिए मैं आपको इंटरफेस बता रहा हूँ। PNB के लिए अपन डालेंगे PNB और उसमें डाल देंगे अपन M पासबुक, वो डालेंगे, वो लोकेशन, वो जो ऐप्स चल रहे हैं पंजाब बैंक के, PNB का फुल फॉर्म होता है पंजाब नेशनल बैंक, तो उसके खुल जाएगा। जो आपको ये इंटरफेस दिख रहा है उस तरीका आपको दिखेगा, तो आपको ओपन कर लेना है उसे। ओपन करने के बाद आपको उस सब जानकारी मांगे, स्टेप बाय स्टेप आपको डालना पड़ेगा। चलो दूसरी बैंक की बात करते हैं, जैसे मान लो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक का अपन डालेंगे, शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा आपको, CBI, और आप स्पेस देंगे। अगर कोई भी बैंक हो, CBI हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, यूको बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, या कोई जितनी भी अदर बैंक हों, सब आपको डालेंगे और डालने के बाद उसका शॉर्ट फॉर्म डालेंगे। डालने के बाद आपको सिर्फ एम पासबुक लिख देना, उसका पूरी वो खुल जाएगा जो अपन उसका स्टेटमेंट वगैरह निकाल देंगे। चलो CBI सेंट्रल बैंक का डालेंगे और M पासबुक डालेंगे अपन, तो वो उसका लोकेशन खुल जाएगा। ठीक है, अब हम आपको एक बैंक का फीचर बताएंगे जो आपको दिखा रहा हूँ। चलो, अब मेरे पास यूको बैंक है, मैं इसके बारे में आपको दिखाऊंगा जो आपको दिख नहीं रही होगी, अब दिख रही होगी। चलो दोस्तों, इसका बैंक का है UCO, यूको, और जी आपको दिख रहा यूको एम पासबुक आ गया, उसमें अब टच करेंगे और मैंने तो उसे इंस्टॉल कर लिया है, आप भी इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद फिर कहेगा कंटिन्यू, तो अपन उसको कंटिन्यू करेंगे, फिर कहेगा टर्म्स एंड कंटिन्यूस, सो अपने आई एग्री करना है। एग्री करने के बाद फिर मांगेगा अकाउंट नंबर, तो अपन अपना जो भी अकाउंट नंबर होगा, जैसे सेंट्रल बैंक में CIF यानी अपनी अकाउंट होल्डर की आईडी होती है, मतलब कस्टमर आईडी बोलते हैं, वो डालना पड़ता है, मगर इसमें अकाउंट नंबर मांग रहा है। चलो दोस्तों, अकाउंट नंबर डालते हैं मेरी जिस पासबुक से, अकाउंट नंबर डालने के बाद फिर उसमें डालेंगे, अकाउंट नंबर डालने के बाद फिर डालेंगे उसमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो बैंक में अपने रजिस्टर्ड किया होगा, फिर उसमें प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद फिर कहेगा एलो UCO एम पासबुक टू मेक द मैनेज फोन कॉल्स, अपन एलो करेंगे। एलो करने के बाद फिर प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद प्रोसेसिंग होगी और प्लीज वेट, थोड़ा वेट करने के लिए बोलेगा। फिर अपनी आईडी आ जाएगी, सिलेक्ट कस्टमर आईडी नाम आ जाएगा और आईडी आ जाएगी, उसे अपन करना यस। यस करने के बाद उसमें OTP आएगी, जो अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी में अपने OTP नंबर पहुँचेगा उसी मोबाइल नंबर पर, और मेरा OTP आ गया और OTP नंबर मैं डाल के बता रहा हूँ। OTP नंबर डालने के बाद
पे डन करना है और उसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद और अब मांगेगा अपने नया पिन बनाना पड़ेगा, इसलिए आप अपनी स्वेच्छा से अपना ऐसा पिन बनाएं जो किसी को पता न चले। दोस्तों एक जरूर बात ध्यान रखने, अपने एटीएम कार्ड पासवर्ड वगैरह किसी को ना बताएं, ना किसी पे विश्वास करें, क्या धोखाधड़ी के आजकल बहुत चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ऐसा चल रहा है। इसलिए दोस्तों चलो अपन नया पासवर्ड बनाते हैं और कन्फर्म जैसा ऊपर डाला ऐसा ही नीचे डालना पड़ेगा पासवर्ड। आपको सबमिट करेंगे तो ये कहेगा यूजर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, प्लीज लॉग इन यूजिंग न्यू पिन। जो अपन ने पिन डाला है उसको डाल के अपन लॉग इन करेंगे, 1 2 3 जो 4 5 6 7 8 जो भी बनाया हो आपने वो उसमें डाल लेना है। हाँ, डालने के बाद आपको जो इंटरफेस दिख रहा होगा तो ऐसा होगा, उसमें लिखा अपना अकाउंट टाइप, बैलेंस वगैरह सब देखेगा उसमें अपना बैलेंस। और सबसे पहली बात करेंगे पासबुक, जो अपन को देखना उसमें अपना अकाउंट नंबर आ जाएगा, अकाउंट टाइप कौन सा अकाउंट है, सेविंग है मेरा तो सेविंग जनरल सेमी यूरबान, मतलब गांव में रहता हूँ इसलिए गांव वाला है मेरा, तो ब्रांच है जहाँ भी अपनी ब्रांच होती है जहाँ से अपन खाता, फ़ोन नंबर होगा, IFC कोड होगा उसमें, IMCR कोड होगा जो कोड नंबर बैंकों के रहते हैं, फिर करेंसी जो अपन कुछ नहीं रहता इंडिया की करेंसी है, कस्टमर आईडी जो मैंने अभी बोला था कस्टमर आईडी डालना पड़ता है, कस्टमर आईडी अकाउंट नेम जिसके नाम पे अकाउंट है वो रहेगा और एड्रेस रहेगा। ठीक है दोस्तों और आगे बात करते हैं, फिर आएगा जैसे अपन स्टेटमेंट निकालना है स्टेटमेंट, तो उसमें अपना ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं अपन, उसमें मैं अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ, मेरी ईमेल आईडी पे मैं सेंड करके बताता हूँ। और उसमें आएगा लास्ट मंथ कौन सा डालना, उसमें रिमार्क पर जरूर क्लिक कर दें, और PDF में चाहिए किस में चाहिए, मगर एक्सेल भी अपने PDF में फाइल बहुत बढ़िया रहती है, और प्रोसीड कर देंगे उसका एक मैसेज आएगा अपने पास, प्रोसीड प्लीज वेट, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और इसमें आ गया स्टेटमेंट सेंड टू द ईमेल, इस ईमेल आईडी पे भेज दिया गया। चलो दोस्तों और आगे बात करते हैं, और जैसे बैलेंस अपना बैलेंस बताता है, और जैसे अगला है स्टेटमेंट के बाद यूजर प्रोफाइल, इसमें अपना ब्रांच का कोड नंबर, कस्टमर आईडी, नेम वगैरह पूरी, मोबाइल नंबर सब निकल जाता है। फिर चेंज पिन, जैसे आपको लग रहा है कि पिन में कोई दिक्कत आ रही है तो इसलिए अपन यहाँ से पिन बदल सकते हैं। पहले मांग रहा है एंटर ओल्ड पिन, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे मेरा पुराना डाल दी, अब मुझे नया बनाना है नया, पर ऊपर जो सेकंड वाले में डाला है वही को वही नीचे कंफर्म में डालना पड़ेगा आपको। डालने के बाद और सबमिट कर देंगे, वो मैसेज दे देगा एम पिन चेंज सक्सेसफुल, प्लीज लॉग इन यूजर न्यू पिन से। अपन फिर अपन इसकी खासियत है कि एक बार पासवर्ड बदलने के बाद दूसरा हम लॉग इन ही करना पड़ता है, लॉग इन करने के बाद फिर लॉग इन हो गया है जी, आ गया भाई। इसमें सेटिंग हैं जैसे अपना पासबुक है, डिस्प्ले बैलेंस है कैसे है, और इसमें एक खासियत है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे आपको नीचे है ऑफ़र भी आते हैं, इसमें कौन सा ऑफ़र चल रहा है आपके पास, अभी तो मेरा खाली है कोई सा ऑफ़र नहीं चल रहा, मेरा नया खाता है, तो उसमें रेफरेंस फ्रेंड आपने लोन ले रखा हो उसकी जानकारी आ जाती है, अपन दोस्तों में शेयर कर सकते हैं पूरी बखर। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो से आपको लग रहा है कि आपको कुछ जानकारी मिली हो तो मेरे दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा और आप मेरे इतना प्रेम देते रहिए।